आइए नाज़रीन, आज हम आपको मूली का पराठा बनाना सिखलाते हैं, जो कि हमारे लिए भी एक नई चीज़ है। इसके लिए हमने सबसे पहले तो एक मूली ली है, यानी कि वाइट रेडिश। इसको हमने जो है वो ग्रेटर कर लिया है, बहुत बारीक नहीं बल्कि दरमियाना सा ही। अब हमने मूली में जो है वो हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल दिया है और इसको थोड़ा सा हिला दिया है। 10 मिनट्स के बाद हमने इसको अच्छी तरह से स्क्वीज करके मूली का पानी अलग कर लिया है और इसको हमने एक फ्राइंग पैन में डाल दिया है। जो पानी मूली का हमने निकाला था, यानी कि स्क्वीज किया था, उसको अब हम अपने आटे में डाल देंगे। और साथ ही हमने हाफ कप जो है वो इसमें वाटर ऐड किया है। आटा जो है वो 2-3 रोटियों का ही तकरीबन हमने अंदाजे से लिया है, कोई ज़्यादा नाप तोल से काम नहीं लिया। इसके बाद आप जो है आटा उसको गूंथ लेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। चूंकि हमने अभी ही पराठे बनाने हैं तो हमने जरा इसको सख्त ही रखा है। इसके बाद हम इस पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये ऊपर से इसकी स्किन जो है वो हार्ड ना हो जाए। इतने में हम जो है वो थोड़ा सा ऑयल फ्राइंग पैन में रखी हुई मूली में ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये है कि इसमें थोड़ा सी खुशबू आने लगे और जितनी देर में ये आपकी मूली जो है ये थोड़ी सी पिंक होती है, आप हरा धनिया जो है फ्रेश कोरिएंडर उसको काट लें और साथ ही आप हाफ टी स्पून जो है वो क्रश चिलीज ले लें और हाफ टी स्पून जो है वो क्यूमिन सीड ले लें और साथ साथ मूली जो है उस पर भी नजर रखें। तो जैसे ही आपको लगे कि मूली जो है वो किनारों से ब्राउन होने लगी है तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लें ताकि ये ठंडी हो सके। इसके बाद आपने हाफ अ टीस्पून ऑफ पॉमीग्रेनेट सीड लेने हैं, यानी कि अनारदाना, और उसको थोड़ा सा कूट लेना है। और कूट कर आपने जो फ्रेश कोरिएंडर क्रश चिलीज और क्यूमिन सीड्स रखे थे उसमें आपने ये पॉमीग्रेनेट सीड जो है ये ऐड कर देने हैं और 2 ग्रीन चिलीज जो हैं उनको भी स्लाइस कर लेना है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा हिला दें। इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने नमक जो है वो मूली में पहले से डाला हुआ है। अब आप इसको हिला दें और रोटी तैयार करने से पहले जो है वो आप अपने स्टोव को तवा रख के ऑन कर दें और जो आपने डो तैयार किया था उसके छोटे छोटे से इस तरह पर 2 पेड़े कर लें। और पेड़ा करने का जो तरीका है वो आपको रोटी बनाने की रेसिपी में बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल हो तो आप रोटी की रेसिपी देख लें। और इस तरह से आपने छोटे छोटे 2 पेड़े किए हैं और उनको फिंगर टिप से दबा लिया है। दबाने के बाद आप इनको जो है वो बेल लेंगे बराबर का। ये पेड़े जो हैं ये बहुत बड़े ना लें चूंकि बीच में इसके बहुत सारी फिलिंग भी जाती है और ये फिर तवे से अमूमन बड़े हो जाते हैं। तो अब आप इसमें जो आपने मूली का मसाला सारा तैयार करके रखा हुआ था उसको एक तरफ की रोटी में अच्छी तरह से भर लेंगे, जितना आप इसमें आसानी से डाल सकें। तो इस तरह से हम इसको दोनों तरफ से अब हाथों से दबाकर सील कर लेंगे। क्योंकि आटा हमने बिल्कुल अभी अभी गूंधा है तो बहुत इम्कान है कि ये चिपक जाए, इसलिए हम इसको सिक्योर करेंगे खुशका डालकर हर तरह से कि ये बेलन को या हमारा जो स्लैब है बेंच टॉप है उसको ना चिपके। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे और इस तरह से आप इसको तैयार करके अब तवे पे डाल लें। इसके लिए ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है और जब आपको ये आ जाएगा तो आप इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की जो भी फिलिंग आपको पसंद हो वो डाल सका करेंगे। तो जब आप देखें कि इसका कलर एक तरफ से चेंज हुआ है तो आप इस पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर इसको पलट लें, चाहें तो बटर डाल लें। और इस तरह आप गाहे गाहे इसको देखते रहें कि ये एक तरफ से जब लाल हो जाए तो आपने इसकी जो साइड है उसको पलटा देना है। बहुत तेज आंच ना रखें क्योंकि इसका टेस्ट वरना खराब हो जाएगा और इसके फूल जल जाएंगे। अब आप दोनों तरफ से देखते रहें, जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लें। हमारे घर में ये है कि पराठा जो है वो क्रंची पसंद किया जाता है, तो इस वजह से हमारे मियाँ साहब हमेशा ही कहते हैं कि पराठा बनाओ तो इसको खोल दो। नमक मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से डाल लें, लेकिन मूली के पराठे की जो रेसिपी हमारे पुरखों से चली आती है वो यही है। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।